अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ चैनल, आप सबको वेलकम। मैं हूँ अदील मंसूर। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं, वो ये है कि COVID-19 के बायस यानी कोरोना वायरस के बायस भारत में ब्लैक फंगस का मर्ज फैल रहा है। मगर मज़ीद बताने से पहले, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए। भारत की मुतादद रियासतों में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले मरीजों में सामने आने वाली जानलेवा पेचीदगी ब्लैक फंगस को वबा करार दे दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस नामी इस बीमारी को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो इब्तिदा में मरीजों की नाक को मुतासर करती है मगर वहाँ से दिमाग तक फैल जाती है। अक्सर इसका इलाज एक बड़े ऑपरेशन से होता है, जिसमें आँख, खोपड़ी या जबड़े का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। आमतौर पर यह बीमारी बहुत कम अफराद को मुतासर करती है, मगर भारत में अब तक इसके 7,200 से जायद केसेस और 219 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये बीमारी ऐसे मरीजों में ज़्यादा फैल रही है जिनको COVID-19 की संगीन शिद्दत का सामना हो, और इसकी वजह इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में मुदाफ़ती निज़ाम दब जाता है। भारत में डायबिटीज़ की शरह बहुत ज़्यादा होना भी एक मुमकिन वजह है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर में इसका ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड के ऐसे मरीज़ जो ICU में वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल हुए, इनकी सांस की गुजरगाह में नमी बढ़ने से फंगस का ख़तरा बढ़ता है। फंगस का बायस बनने वाली बीमारी सतह और ऑर्गेनिक मवाद में पाई जाती है और सांस के जरिए जिस्म में पहुँचती है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ये नाक और आँखों के इर्द गिर्द फैलने लगती है, जिससे नाक की रंगत सियाह हो जाती है, और इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये दिमाग तक पहुंचकर जानलेवा साबित हो सकती है। सेहतमंद अफराद तो इसका मुकाबला कर सकते हैं, मगर कमज़ोर मुदाफ़त इंतज़ाम के हामिल लोगों में ये बहुत तेज़ी से फैलती है। अब तक भारत की 5 रियासतें तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना ने इसे वबा करार दे दिया है, और मुतादिर रियासतों की जाने से भी ऐसा ऐलान मुतवक्को है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 1,500 से ज़्यादा केसेस और 90 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली के अस्पतालों में भी तेज़ी से केसेस की शरह बढ़ रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में रोज़ाना 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि कोरोना से कबल अमूमन ये शरह 1 माह के दौरान 102 केसेस पर होती थी। मुंबई के एक अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित हंडवानी ने बताया कि इन्होंने ब्लैक फंगस के केसेस में दरियाफ्त किया है कि तमाम अफराद COVID-19 की संगीन शिद्दत का सामना कर चुके थे, डायबिटीज़ के मरीज थे या इनका मुदाफ़त निज़ाम बहुत कमज़ोर हो चुका था। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने बताया, अगर किसी फर्द का मुदाफ़त निज़ाम दब जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो वो इससे मुतासर हो सकता है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो फिर जिस्म में ये फंगस फैल सकता है। हमने COVID-19 के ऐसे मरीजों में ऐसे देखा है जो ज़्यादतीस का शिकार थे, या इनका मुदाफ़त निज़ाम कमज़ोर था, या इनको मुदाफ़त निज़ाम दबाने वाली अद्वियात दी जा रही थी। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। Thank you.